हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे दो कंप्यूटर्स पे सेम गूगल ड्राइव को यूज करके डेटा को सिंक्रोनाइज करके एक जगह का डेटा दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, और आपको पेन ड्राइव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जा करके गूगल ड्राइव को ओपन करना पड़ेगा। जब आप गूगल ड्राइव ओपन करिएगा, आपकी जो ड्राइव होगी उसमें सेटिंग आएगी। सेटिंग पे जा करके आप गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप कर लीजिएगा। तो आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑफलाइन गूगल ड्राइव को एक्सेस कर पाइएगा सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। तो हम ये गेट ड्राइव जब करिएगा तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा उस फाइल को, ये डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। जब आप ये करिएगा तो आपको एक exe फाइल मिल जाएगी, उसको जब डबल क्लिक करिएगा तो आपका गूगल ड्राइव इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं, उसमें 10 मिनट लगता है, इसलिए हम उसको फिर से डाउनलोड नहीं कर रहे, हमारे डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है। इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये गूगल ड्राइव को डेस्कटॉप के लिए इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा इसमें धीमी है इसलिए टाइम लग रहा है। अब इसको यस कर दीजिएगा तो आपका गूगल ड्राइव आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा ऐड एन एप्लीकेशन शॉर्टकट टू योर डेस्कटॉप, तो आप यहाँ पे इसको ऐड करके इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन द सर्वर स्पीड, तो जितनी देर लगेगी उतनी देर में वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको टास्क बार में, ये देखिए गूगल ड्राइव का बन रहेगा, यहाँ पे टास्क बार में गूगल ड्राइव का आइकॉन आएगा। देखिए बोल दिया उसने गूगल ड्राइव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब इसको गूगल ड्राइव को आप ओपन प्रेफरेंसेस करिएगा, गेट द मोस्ट आउट ऑफ ड्राइव फॉर द डेस्कटॉप, ओपन प्रेफरेंसेस करिएगा। तो ये देखिए आपका आ जाएगा, सेफली स्टोर ऑल योर फाइल, एसेस गूगल ड्राइव फ्रॉम योर कंप्यूटर, यूज मोर देन वन अकाउंट विदाउट हैविंग टू स्विच, टेक टूर। अब आप क्या क्या कर सकते हैं वो ये सब बता रहा है। नो थैंक्स, हमको टेक टूर नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ऐड फोल्डर, और यहाँ सेटिंग भी आ रहा है। सेटिंग में देखिए क्या क्या बोल रहा है, गूगल ड्राइव रियल टाइम प्रेफरेंसेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ड्राइव लेटर फोल्डर, ये सब आ रहा है। तो ये आ गया यहाँ पर गूगल ड्राइव सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब यहाँ पर जाकर सेटिंग में जब आप जाइएगा तो वो पूछेगा प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में ऐड फोल्डर करिएगा। तो ऐड फोल्डर जब आप करिएगा तो वो आप चाहे तो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं या इस पीसी के किसी और ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए डी ड्राइव में इसको करते हैं। जैसे ही आप इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो देखिए आपका गूगल ड्राइव और उसके तीन गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट और गूगल डॉक्यूमेंट करके शॉर्टकट बन जाता है और ये डी ड्राइव में इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर आपका जो टास्क बार में गूगल ड्राइव बना हुआ है इसके थ्रू जब आप सेटिंग में जाइएगा तो देखिए प्रेफरेंसेस मिला है। जब प्रेफरेंसेस पे जाइएगा तो ऐड फोल्डर बोलेगा, तो आप अपना गूगल ड्राइव का फोल्डर ऐड कर सकते हैं, फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर और फोल्डर फ्रॉम योर ड्राइव। अब स्ट्रीम फाइल्स और मिरर फाइल्स, देर आर टू वेज टू सिंक्रोनाइज माई ड्राइव कॉन्टेंट फ्रॉम गूगल ड्राइव टू योर कंप्यूटर। तो आपको जो लेना होगा वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रीम फाइल्स है और मिरर फाइल्स है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और गूगल ड्राइव में देखिए ड्राइव लेटर उसने ले लिया है, इसको डन करते हैं। यहाँ पे फोल्डर आप स्ट्रीम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको
हमने सिंक्रोनाइज ऑप्शन दिया था, यहाँ पे ये देखिए प्रेफरेंसेस में आ रहा था, सेटिंग में, सॉरी प्रेफरेंसेस सेटिंग में आ रहा था, ये फोल्डर कस्टमाइज गूगल ड्राइव एस यू एस, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग डी में गए, डी में यहाँ पर फोल्डर में माय फोल्डर ले लिया हम लोग ने, माय फोल्डर सेलेक्ट किया फोल्डर, अब यहाँ पर ये आ गया सेलेक्ट फोल्डर मस्ट बी एम्प्टी, ओके। तो यहाँ पर कोई फोल्डर एक बनाना पड़ेगा, तो शो गूगल ड्राइव इन क्विक एक्सेस इन फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग पीछे चलते हैं और यहाँ पर पहले डी में जाकर एक फोल्डर बनाते हैं, डी में नहीं बनेगा तो कहीं और बनाएंगे, तो दिस पीसी में जाकर के ई में देखते हैं, डी में वो नहीं बना रहा तो राइट क्लिक किया, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, फोल्डर करेंगे, अब नया फोल्डर बन गया, यहाँ पे लिखा माई डाटा, ये फोल्डर बन गया, ये खाली है फोल्डर। तो अब हम फिर से वहीं जाएंगे गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर ऐड फोल्डर करेंगे, फोल्डर हमारा ई में है, ई में जाते हैं हम लोग, ई में हम लोग माई डेटा हम लोग ने बनाया है, माई डेटा इसको सेलेक्ट किया, सिंक्रोनाइज विद गूगल ड्राइव किया, इसको बैकअप टू गूगल फोटो किया और इसको डन कर दिया और सेव कर दिया। अब माई डेटा हमारा जो बना है उसमें देखे फोटो भी आएगी और डेटा भी आएगा। तो अब इस ऐड फोल्डर में एक बोल रहा है डन किया हमने जब इसको, चूज द फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर टू सिंक्रोनाइज विद गूगल ड्राइव और बैकअप टू द गूगल फोटो, लर्न मोर। तो ऐड फोल्डर हम लोग ने कर ही दिया है, तो अब ये माई डेटा जब खुल गया तब इसमें हम जो डेटा लाएंगे वो हमारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जो माई डेटा ड्राइव बनाया था वो देखिए आपका, यहाँ से जब आप कंप्यूटर क्लिक करिएगा तो ड्राइव में आपका माई लैपटॉप पे ये इंफॉर्मेशन माई डेटा के अंदर दिखेगी। अब इसे ऑफलाइन आप देखना चाहेंगे तो आराम से देख पाएंगे, यहाँ पे सेटिंग में देखिए आपका आता आएगा स्टोरेज रिप्लेस विद शॉर्टकट, डोंट रिप्लेस विद शॉर्टकट, आप इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं और आराम से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर जाइएगा माई ड्राइव में तो आपकी ड्राइव खुल जाएगी, और यहाँ पर जब आप करिएगा तो ई में देखिए माई डेटा बना हुआ है, और डी में जाइएगा तो गूगल ड्राइव डी को बना हुआ है, यहाँ पर देखिए अदर कंप्यूटर दिखा रहा है। तो आप इस कंप्यूटर को इस दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, मेरे पास एक ही कंप्यूटर इसलिए आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहे हैं ये। तो यहाँ पे जब ये माई ड्राइव खोलिएगा तो देखिए सारी ड्राइव की इंफॉर्मेशन आएगी, और इसको अदर कंप्यूटर पे जब आप शॉर्टकट बना दीजिएगा तो ये आराम से यहाँ पर ये देखिए शेयर विथ स्टॉप शेयरिंग स्पेसिफाई पीपल, और ये ग्रुप बाय शॉर्ट बाय रिफ्रेश बाय ये सब आ रहा है, कस्टमाइज दिस फोल्डर, आप फोल्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दूसरे कंप्यूटर पे जो कुछ इंफॉर्मेशन जैसे आपने यहाँ पे माई ड्राइव इंस्टॉल किया वैसे ही वहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और आप एक कंप्यूटर की वैल्यू दूसरे डेटा दूसरे कंप्यूटर पे आसानी से देख पाएंगे। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।